हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड इन द हिंदू टुडे दैट इज ऑन फोर्टींथ ऑफ जनवरी 2021 पहले पेज से शुरू करते हैं नो क्लैरिटी ऑन टूमारोज टॉक्स अ डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट स्टेज सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन फार्म लॉज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म लॉज हैं उसके ऊपर टेम्परेरी स्टे लगा दिया है उन्हें सस्पेंड कर दिया है

और ओवर रीच तो ये तीन टर्म्स हैं जिनके बीच में आ, जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवर रीच जुडिशियल रिव्यू होता है जो कि एक ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को दी है दैट जुडिशरी कैन रिव्यू द एक्ट्स एंड एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कि वो दोनों जो भी लॉ बना रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको रिव्यू कर सकती है जुडिशियरी दैट इज़ द पावर वेस्टेड इन द जुडिशरी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सल्फ तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ अभी नहीं आती है वाई नॉट बिकॉज द जुडिशरी इज़ एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्मेंट तो अभी जुडिशरी ने लॉ को रिव्यू नहीं किया है जुडिशियल रिव्यू कब होगा ये अगर जुडिशरी उन लॉज को रिव्यू करे अगर उन लॉज के अगेंस्ट स्पेसिफिकली कोई कंप्लेंट हो फिर उस कंप्लेंट को देखकर उस लॉ को रिव्यू किया जाए वेदर दे आर इन दे आर राइट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स और नॉट वो होगा जुडिशियल रिव्यू सो दिस इज़ नॉट जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली देन जुडिशल एक्टिविज्म होता है कि जुडिशरी जो है वो जितनी उसको ड्यूटी दी गई है उससे एक स्टेप आगे जा रही है एज एन एक्टिविस्ट काम कर रही है यानी कि प्रो एक्टिवली काम कर रही है ताकि किसी लार्जर इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सके लोगों का वेलफेयर किया जा सके नेशनल जुडिशल एक्टिविज्म जैसे पी आई एल हो गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म तीसरे नंबर पे आता है ओवर उससे भी एक स्टेप आगे यानी कि जुडिशरी को जो पावर नहीं भी दी गई है उस पावर को भी जुडिशरी एक्सरसाइज कर रही है यानी कि या तो वो लॉ को बनाने लग गई है या लॉ को ख़ुद ही इम्प्लीमेंट करने लग गई है या इम्प्लीमेंटेशन को रोकना शुरू कर दिया है सो दैट इज़ ओवर रीच नाउ द थिंग इज कि ये पर्टिकुलर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है फार्म लॉज पर और जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है वेदर इट इज़ एक्टिविज्म और ओवर रीच दिस इज़ अ वेरी हाईली सब्जेक्टिव थिंग सो देर इज़ नो आंसर टू इट कि वो एक्टिविज्म है या ओवर रीच जिन लोगों को ये स्टेप अच्छा लगेगा दैट यस दिस इज़ वॉट द जुडिशरी शुड डू जुडिशरी ऑट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग क्योंकि अदरवाइज देर इज़ अ स्टेल मेड एंड द फार्मर्स आर एड एंड द गवर्नमेंट इज टू तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल दिए हैं जो कि फार्म बॉडीज़ को पसंद नहीं है द फार्म बॉडीज़ आर ओनली इंसिस्टिंग ऑन रिपील सो देयर इज अ डेड लॉक तो ऐसे में जुडिशरी को एक्ट करना चाहिए जुडिशरी शुड एक्टिव प्रो एक्टिवली ताकि स्टेल में टूट सके उन लोगों को जुडिशियल एक्टिविज्म लगेगा ये लेकिन जिन्हें लगेगा कि जुडिशरी का कोई मतलब नहीं बनता दैट दे शुड इम्प्लीमेंट दे शुड स्टे द इम्प्लीमेंटेशन बिना लॉ को रिव्यू किए सो so, जुडिशरी सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट या फिर एक बहुत ही नेगेटिव जो नैरेटिव चल रहा है वो ये है दैट जुडिशरी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट टू सेव द टू सेव द सेफ ऑफ द गवर्नमेंट टू सेव द फेस ऑफ द गवर्नमेंट तो ये भी एक परसेप्शन है उन लोगों को लगेगा कि ये जुडिशियल ओवर है कि जुडिशरी को तो किसी ने पूछा भी नहीं था देअर वॉज नो वन हु डिड दैट लेकिन उसका भी काउंटर ये है कि जुडिशियरी ज़रूरी नहीं है हमेशा अपील करने पर ही एक्ट करती है इट कैन एक्ट सो मो एज वेल जैसे कि पी के केस में तो आ, ये एक्टिविज्म भी हो सकता है ओवर रीच भी हो सकता है अगर हम इसे एक्टिविज्म मान लेंगे तो वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगी ओवर रीच मान लेंगे तो बहुत नेगेटिव सो दिस इज़ अ वेरी फाइन बैलेंस नाउ देर इज़ नो आंसर टू इट यू कैन टेक इट एनी वे यू वॉन्ट बाय बैलेंसिंग इट विद योर ओन आर्ग्यूमेंट्स तो इस कॉन्टेक्स्ट में जुडिशरी जब भी कुछ करती है यू हैव टू सी इट इन दिस context. ऐसा कभी जुडिशरी ने पहले स्पेसिफिकली नहीं किया है कि लॉ के इंप्लीमेंटेशन के बाद उसी इम्प्लीमेंटेशन स्टे कर दी गई हो राइट सो इट्स अ वेरी डिफरेंट चार्ट तो एक्टिविज्म भी हो सकता है ओवर रिच भी हो सकती है बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट रिव्यू तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपको करना है देन येस अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस नॉट नेसेसरी पब्लिकेशन ऑफ नोटिस नॉट नेसेसरी इन मैरिज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट तो अब तक एक प्रोविजन थी स्पेशल मैरिज एक्ट में ये न्यूज़ को इंपॉर्टेंट है ये भी बताता हूँ स्पेशल मैरिज एक्ट में एक प्रोविजन है दैट स्पेशल मैरिज एक्ट फिर इज फॉर दोज पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट्स एंड डिफरेंट रिलीजन और उनको अपनी शादी रजिस्टर करानी है उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट होता है अदरवाइज फॉर एवरी रिलीजन देर इज़ अ डिफरेंट लॉ हिंदू मैरिज एक्ट आनंद कारेज एक्ट

उन्हें पहले पब्लिश करनी पड़ती है वो इंटेंशन ताकि उस पर ऑब्जेक्शन रेज की जा सके फिर जब ऑब्जेक्शन नहीं लगती ओनली देन लाइक कुछ दिन का टाइम दिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन टू थर्टी डेज़ और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती ओनली देन द वेडिंग कैन बी रजिस्टर्ड तो इसको इस प्रोविज़न को जो अलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने खारिज किया है कि ऐसी जो पब्लिकेशन ऑफ इंटेंडेड मैरिज है ये गलत है वाई गलत है बिकॉज इट वुड इन्वेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी इंक्लूडिंग विद इन द स्फेयर ऑफ फ्रीडम टू चूज फॉर मैरिज विदाउट इंटरफेयरेंस फ्राम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट करती है प्रोविजन बिकॉज इफ ब्राइड एंड ग्रूम आर अदरवाइज एलिजिबल एज वाइज देन उनको उनकी राइट टू प्राइवेसी में इन्वेजन है ये नाउ द थिंग इज हाउ इज़ दिस इम्पॉर्टेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने ऐसे लॉज पास किए हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज जैसे कि उत्तर प्रदेश ने किया है जिससे कि रिलीजियस uh, कन्वर्जन जो है मैरिज में अगर वो एक ग्राउंड बनता है तो उसके बेस पे वेडिंग जो है वो कैंसिल की जा सकती है नलिफाई की जा सकती है नाउ द थिंग इज़ इसके दायरे में जो नया लॉ बना है उसमें दायरे में सिर्फ वही लोग आते हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे होते हैं यानी कि हिंदू विद मुस्लिम मुस्लिम विद सिख मुस्लिम विद हिंदू तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर उन्हें रजिस्टर कराना है तो उन्हें पब्लिकेशन ऑफ नोटिस करवाना पड़ेगा लेकिन अब क्योंकि ये प्रोविजन मैंडेटरी नहीं रही दैट मीन्स अगर वो नोटिस पब्लिश नहीं भी करते दे कैन मैरी तो ये दो लॉज अब एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आ गए हैं जो नया फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पास हुआ है एंड दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न यानी कि अब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर आप शादी रजिस्टर कराते हो तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है और जब तक नोटिस नहीं दोगे तब तक यू डू नॉट यू डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द न्यू ऑर्डिनेंस और न्यू लॉ दैट हैज बिन पास बाय द यूपी गवर्नमेंट तो ये इस इंटरप्ले के अंदर आपको चीज़ याद रखनी है और अगर यहाँ पर इसे नलिफाई माना गया है कि राइट टू प्राइवेसी को इन्वेट करता है तो वो उस लॉ में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है क्योंकि वहां पर भी नोटिस जो है वो देना पड़ता है पब्लिकेशन जो है वो देनी पड़ती है पहले बताना पड़ता है मैरिज रजिस्ट्रार को और वहां नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है दैट दीज टू पीपल इंटेंड टू मैरी और उसकी वजह से जो है वो विजिलेंटी ग्रुप्स जो हैं दे कैन टारगेट दोज पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स कि हाँ ये रिलीजियस कन्वर्जन जो है ये जबरदस्ती की जा रही है सो दिस इज हाउ दिस प्रोविजन कैन अप्लाई टू दैट लॉ ऑल्सो इस कॉन्टेक्सट में आपको ये करना है देन डोनल्ड ट्रंप ऑन वर्ज ऑफ सेकेंड इम्पीचमेंट तो जो यूएस कैपिटल में अटैक हुआ है उस पर चार्जेस फ्रेम करके जो आउट गोइंग यू एस प्रेजिडेंट हैं डोनल्ड ट्रंप उन्हें इम्पीच करने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है एंड विद दिस ही हैज़ बिकम द सेकेंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेजिडेंट इन द एंटायर हिस्ट्री द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ यू एस जिनके अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो दो बार शुरू किया गया है नाउ इट रिमेंस टू बी सीन कि वो इम्पीच हो पाते हैं या नहीं और उनके अगेंस्ट जो चार्ज लगाया है दैट इज़ असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी because he tweeted and because of that tweet, hundreds of people had gathered on the u.s. capital. this violence may pass logon ki death bhi ho so that is something that you have to keep a track of. Uske baad aate hain. editorial page, pay. on editorial page, this is first editorial. terror trail. तो इसमें पाकिस्तान के ऊपर है दैट रिसेंटली मिस्टर एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हैज़ स्पोकन इन यूएन दैट द कंट्रीज वो आर सपोर्टिंग टेररिज्म लाइक चाइना एंड पाकिस्तान दे शुड नॉट गो स्केथ फ्री तो उस पर यह लिखा गया है दैट पाकिस्तान इज़ नॉट सीरियस फॉर एलिमिनेटिंग टेररिज्म और रिसेंटली जो पाकिस्तान ने कुछ एक्शन लिए हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट दैट इज़ अ होक्स क्योंकि एफ एफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसकी एक प्लेनरी मीटिंग जो है वो फ़रवरी में होने वाली है और वहां पर जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में चल रहा है सो so ये एफ क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इट इज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग तो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ये स्टेप्स लेती है और इसका कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हर कंट्री को फुलफ़िल करने पड़ते हैं बट पाकिस्तान हैज़ नॉट बिन फुलफिलिंग मोस्ट ऑफ़ दोज़ क्राइटेरियाज़ बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बिन एडिंग एंड अबेटिंग बैटिंग टेररिस्ट्स तो वो टेरर फाइनेंसिंग को सीरियसली नहीं लेता दे एक्चुअली टेरर फाइनेंस क्वाइट अलॉट तो इस वजह से एफ एफ ने उसे ग्रे लिस्ट में लिखा हुआ है पिछले दो सालों से और अगर अभी भी फेबर से पहले भी उसने ये स्टेप ना लिए होते तो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता था और इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि उस पर इकोनॉमिक सेंक्शंस लग सकते हैं उस कंट्री पे सो मैन इकोनॉमिक सेंक्शंस कैन बी इंपोज तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि पाकिस्तान एक्चुअली इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट इट इज़ डूइंग सो ओनली टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम बींग ब्लैकलिस्टेड बाई एफ ए तो इंडिया को इन एफर्ट्स को कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए दुनिया की किसी भी कंट्री को नहीं लेना चाहिए एंड एफ एफ शुड एक्चुअली ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान ओनली देन सम क्रेडिबल न बी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ इट अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है यही यहाँ पर बताया गया है देन ये एक अच्छा आर्टिकल है रिगार्डिंग उसी से रिलेटेड न्यूज से है जो फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ी थी फार्म प्रोटेस्ट वाली मीडिएटिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट इज अ डिफिकल्ट टेर तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने लिखा है श्री राम पंचू तो इनका ये कहना है कि जुडिशरी को हालांकि इंटरवीन कर लेना चाहिए सो दैट थिंग जो हम बात कर रहे थे कि ये एक्टिविज्म है या ओवर है तो इसमें इन्होंने ये आइडिया दिया है कि जुडिशरी अगर इंटरवीन करना चाहती है तो कर लेना चाहिए इट्स अ वेलकम स्टेप फॉर ब्रेकिंग द लॉन्ग जम्प बट एट द सेम टाइम इट शुड ऑब्जर्व सर्टन एसेंशियल पॉइंट्स दैट इट शुड नॉट कि अगर हम इसे एक्टिविज्म मान लें तो अगर हम इसे इस लेवल तक एक्टिविज्म मान भी लें जुडिशरी का लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे लिमिट्स जुडिशरी को खुद के लिए सेट करनी चाहिए ताकि ये अब ओवर ना बन जाए लाइक इट शुड नॉट इम्पोज एनी डिसीजन ऑन फार्मर बॉडीज इसको मीडिएशन है तो इसको मीडिएशन की तरह ही लेना चाहिए इट शुड नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन आइदर द गवर्नमेंट और द फार्म यूनियंस ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं देन फॉरन पॉलिसी पे एक और फाइनल ब्लो तो आउटकोइंग यू एस प्रेजिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जाते जाते क्यूबा के साथ अपने रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब कर लिए हैं

यू एस और ईरान में क्या चल रहा है उससे इंडिया यू एस और इंडिया ईरान टाइज़ पर भी फर्क आता है सिमिलरली यू एस और क्यूबा के जो रिलेशन है अभी अभी ख़राब हुए हैं सो वट इज़ इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया यू शुड कीप कीप इन योर माइंड और आने वाले जो इनकमिंग प्रेजिडेंट हैं जो बाइडन उनके लिए एक ऐसे एक चैलेंज हो सकता है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द प्रीवियस यू एस प्रेजिडेंट एक्स यू एस प्रेजिडेंट बराक ओबामा ही हैड नॉर्मलाइज टाइज विद क्यूबा आफ्टर फिफ्टी ईयर्स ऑफ प्रॉब्लम्स सो नाइनटीन सिक्सटीज़ में एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था उसके बाद वहाँ पर सोशलिज़म आ गया था कम्युनिज्म आ गया था लेड बाय दिस चे एंड फिदेल कास्ट्रो। उसके बाद से यूएस और क्यूबा के रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रहे थे लेकिन बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए एंड नाउ मिस्टर ट्रंप हैज़ अगेन इज़ अगेन ट्राइंग टू डी दैट प्रोसेस तो कैसे वो इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ वट इज द चैलेंज बिफोर मिस्टर जो बाइडन ये इस आर्टिकल में डिस्कस्ड है एक और फॉरेन पॉलिसी पे आर्टिकल है इसे आप पढ़ सकते हैं टू प्रोटेस्ट एंड फॉल्स पैरल्स इसमें जो यूएस में कैपिटल हिल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए उसको और जो हॉन्गकॉन्ग में प्रोटेस्ट हुए उसको कंपेयर किया गया है कि वो कंपैरिजन इज अनफेयर एक्चुअली तो यू चाइना ने ये स्टेटमेंट इशू की थी जब यूएस हिल पर प्रोटेस्ट हुए थे दैट uh, जैसे हांगकॉन्ग में प्रोटेस्ट हुए थे वैसे यूएस हिल पर भी कैपिटल हिल पर भी प्रोटेस्ट हुए हैं बट हाउ दैट कंपेरिजन इज हाईली अनफेयर वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है तो so, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप पढ़ सकते हैं हाउ डेमोक्रेसी इज लाइक हाउ प्रोटेस्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ वन प्रोटेस्ट कैन बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर यस

और ये जो तेजस है इट्स अ फोर एंड अ हाफ जनरेशन फ़ाइटर एयरक्राफ्ट तो इससे जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फाइनल डिफेंस डील तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो भी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं न्यूज़ को आपको पढ़ना है और इसमें जो भी डिटेल्स हैं यू हैव टू डू दैट वैक्सीनेशन हैज़ स्टार्टेड टू बिस्ट्रीब्यूटेड इलेवन सिटीज गेट कोवैक्सी शिपमेंट्स काफ़ी सारी सिटीज़ में कोवैक्सिन शिपमेंट्स जा चुकी हैं कोवैक्सिन इज डिवेलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड कोविशील्ड इज डिवेलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो इन दोनों में जो इसकी सप्लाई है वो शुरू हो चुकी है शहरों में सो दिस इज इम्पॉर्टेंट

डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारा डेली कार्पेडियम ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू गेट ऑल द आर्टिकल्स एट वन प्लेस इन योर ई मेल एवरी डे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे